उड़ारिया में आखिरकार नहमत ने हरलीन को ये बात कही दी कि वो मूव ऑन हो चुकी है, इसलिए अब वो भी मूव ऑन हो जाए और अपनी जिंदगी चैन से बिताए और खुशी से बिताए। हरलीन रोती है, हरलीन जो है वो बहुत दुखी है क्योंकि वो कभी नहीं सोची थी कि नहमत जो है वो एकम को धोखा देगी। यहाँ पर अब आपको बताते चले कि जहाँ पूरे घर वाले बर्थडे की तैयारी कर रहे, एक साथ जुटे हुए हैं, तो वहीं आपको बताते चले कि इस बर्थडे में भी एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आपको ये जानकारी दे दे कि जहां पर सरताज ने नहमत और निमो की बात सुनी है, उसे ये तो बात मालूम चल गई है कि यहां पर नहमत किसी से प्यार करती थी, लेकिन वो जो है अपने प्यार की कुर्बानी दे चुकी है। यहां पर ये बात सरताज को मालूम है और सरताज जो है वो नहमत को किसी ना किसी जरिए कुछ ना कुछ बोल ही रहा है इस बारे में। यहां पर आपको बताते चले कि अब हरलीन अपने घर जाएगी, जहां पर पूरे घर को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। हरलीन भी बहुत अच्छे से तैयार है और हरलीन के ऊपर फूलों की बारिश होती है, सब लोग बेहद खुश हैं। लेकिन नाज की अलग ही प्लानिंग है। आपको बताते चले कि नाज और बलराज कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे देखकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, लेकिन वो क्या करने वाले हैं हम आपको बताएंगे अगले रिपोर्ट में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज।